होला भाई आके यहाँ बैठे। विजय जी भाई, मेरे काम का क्या बना? दो दिन में भाई आपका काम हो जाएगा। दो दिन में काम जरूर होना चाहिए। जी भाई। माल लाया है? हाँ भाई, लेकर आया हूँ। ये रहा। कितना है? 200 ग्राम। इतना कम बेवकूफ समझा है क्या? लेना है तो लो, वरना बाढ़ में जाओ। कितना रोकड़ा दूँ? 5 लाख। इसे रोकड़ा दे। ये ले, ठीक है। ये लो भाई जान माल। कितने है छोटे? 200 ग्राम। तुम जा सकते हो। वाह, कमाल कर दिया तूने विजय। इतना ड्रग्स तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। वाह कमाल कर दिया तूने। तुझे जी करता चाहिए कलर का। कमाल कर दिया तूने रे, कमाल कर दिया। आखिर मैं भाई किसका हूँ? चल भागे यही भाई, पकड़ो उसे। भाई मुझे लगता है वो उस तरफ भाग गया होगा। तो फिर तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। एक बोला भागना और भी भाग, और कितना दिन भागेगा? पकड़ा ही गया ना आज जाकर तू। नहीं, तू मुझको नहीं मार सकता। मैंने क्या कसूर किया तेरा? क्या कसूर किया मैंने? मैं तो अपना रिक्स पे कर रहा था। मैं कहता हूँ तू वहाँ पकड़ा रहे, आगे मत आना। मैं तुझे मार भी सकता हूँ, आगे मत आना। मैं कहता हूँ आगे मत आना, वहीं पर खुला रहे। बिना पैसा दिए धंधा शुरू किया तूने, पैसा कौन देगा? तेरा बाप है? पैसा मैं तुझे दूंगा, मैं दूंगा तुझे पैसा। जितना बोलेगा मैं उतना पैसा दूंगा, लेकिन मेरा जान बख्श दे। आज मुझे जाने दे, आज मुझे जरूरी मीटिंग में जाने का है। आज मुझे जाने दे प्लीज, ऐसे मत कर रहे भाई। साला पट्टू जान का भीख मांगने लाए। आज गोला तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली हफ्ता पैसा जरूर मिलना चाहिए। चल निकल अब, चल। जी बोस साहब ने क्यों बुलाया?
ये माल देख रहे हो बेटा? जी जी। इसे कार्टन फैक्ट्री में 10:30 बजे पहुंचाने का है। और एक बात ध्यान से सुनना। जी मैं सलामत पहुंचाऊंगा। हाँ एक बात ध्यान से सुना, शराफत से और इज्जत से जना, आजकल पुलिस का हालत बहुत टाइट हो गया है। हालात बहुत टाइट है भाई, ये लो और सुन, जल्दी लौटना। या आओ देवदास आओ। जी बॉस, आपने क्यों बुलाया? ये माल देख रहे हो? हाँ हाँ। इसे पता है कहाँ पहुँचाना है? पठान खान वाले होटल पर। और एक बात ध्यान से सुनना अपना, आजकल का पुलिस बहुत तेज हो चुका है, हालात बहुत टाइट हैं। इज्जत से और शराफत से जाना। जी जी। पकड़ा जाए मेरा नाम मत लेना। जा 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 जा, जा। भोला भाई ये लो आपका पैसा। ये लो तुम्हारा कमीशन, और कल से टाइम पर आ जाना। जा। भोला भाई ये लो। कौन है तू और क्या चाहता है? मैंने सुना तुम ड्रग्स सप्लाई करते हो, मुझे इतना ड्रग्स दो, मुझे इतना नशा दो कि मैं मर जाऊं, कब्र से भी फिर वापस आकर ये नशा करूं। लगता है तेरे को चोट बहुत गहरी लगी है। हाँ बोल, कितना चाहिए? तुम्हारे पास कितना है? मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, तू नहीं ले सकेगा। तू बोल कितना चाहिए? सब दे दो। अच्छा ये लो, पता है कितने का है भाई? 2 करोड़ रुपए का है ये। 2 करोड़ रुपए का मिल जाएगा। 2 करोड़ ये लो और जाकर एंजॉय करो। रुक पहले चेक करने तो दे। हाँ चेक करो, करो करो चेक। मेरा ड्रग्स 1 नंबर है, ऐसा ड्रग्स आपको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा। हाल दो। अच्छा है ना ड्रग्स? ड्रग्स किसका है? मेरा है भाई, आपको मिल जाएगा। हाँ 2 करोड़ दो आप, चलो 2 करोड़ दो। अभी जल्दी करना। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? पैसे पूरा है ना? नए नए नोट है, नए नए गिनती कर ले, गिनती कर ले। चले नए नए नोट है, नए नए गिनती कर ले, गिनती कर ले। तो ठीक है भाई। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। ओके आओ डॉन आओ, मुझे तेरा इंतजार था। डॉन तुझे मालूम है मैंने कराची से तुझे किस लिए बुलाया है? नहीं सर मुझे मालूम नहीं है, बताओ आप। इस तस्वीर को गौर से देखो। सर ये कौन है? ये दुनिया का सबसे बुरा और कमीना आदमी है, इसने कई बच्चों की जान ली है ड्रग्स देकर, ये मुल्क को बर्बाद करना चाहता है। बताओ सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें बस इस बुराई को मिटाना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। सर इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे पल पल की खबर देते रहना। ठीक है सर। कौन है रे तू और कैसे आया है? मुझे माल चाहिए, माल। कितना? 50 ग्राम चाहिए मेरे को, 50 ग्राम। पैसा लाया है? जी भाई। माल बराबर है ना? जी भाई। ये ले
और इंजॉय कर जाके, मेरा माल लेकर भरा है। ठीक है, जा 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 जा। सर आपने उस मुजरिम का नाम तो नहीं बताया है। गोला नाम है उसका। अच्छा सर, गोला को पकड़ने के लिए सरकार ने इनाम तो जरूर रखा होगा। इनाम इतना रखा है कि तू सोच भी नहीं सकता। कितना रखा है सर इनाम? 50 करोड़। सर ये काम गोला शुरुआती करता था या आप शुरू किया इसने? 10 साल हो गए शैतान ने धंधा शुरू किया। ऐसे बेरहम लोगों के लिए तुझ जैसे बेरहम ऑफिसर की जरूरत है। सर आप फिक्र मत करो, ये शैतान कुछ ही दिनों का मेहमान है। हेलो, क्या सर मुझे फौरन जाना होगा। अरे पर हुआ क्या? सर डेड वाले मार्केट में एक डेड बॉडी मिला है। सर फोन पर हर खबर मैं तुम्हें देता रहूंगा। ओके, तुम जल्दी जाओ। तुम खरे खरे यहाँ क्या कर रहे हो? जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाओ। सुन डॉक्टर, ये बेचारा मर रहा है, इसके लिए कुछ करो। आई एम सॉरी, मेरा छुट्टी का टाइम हो गया है। डॉक्टर साहब इसने दहर खाया है और तुम कह रहे छुट्टी का वक्त हो गया। देखो ये पुलिस का केस है, पहले फाइल बना के फिर आ जाना, इसका इलाज होगा। डॉक्टर साहब अभी जो तोरा मैं कत्ल कर दूंगा, ये अस्पताल पुलिस का वेट करेगा या तुझे बचाएगा? बोल, आप बाहर जाओ, इसका इलाज मैं करता हूँ। ठीक है डॉक्टर, जल्द से जल्द इसे ठीक कर। हाँ तुम जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुबारक हो, वो बच गए। लेकिन वो हाय कौन? गोला का आदमी है। मतलब उस साले ने एक्टिंग किया है ना? और नहीं तो क्या, उन्होंने आपको उल्लू बनाया स्पीड साहब। वो भड़वा अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ? ए भड़वा किसको बोला? तेरे बाप को भड़वा बोला। तेरे को मालूम है ना अपन सुबह से तेरा इधर वेट करने लाए। हाजोल बॉस। ए माल दे इसको। अच्छा निकल। हेलो साहब, गोला यहाँ टावर के पास डील कर रहा है, जल्दी पहुंचो। क्या? मैं 2 मिनट में आता हूँ। सुन, टाइम पर आ जाने का है ना? हाजोल बॉस। चलो रे, ए चलो आओ आओ। ए कहाँ है गोला? साहब वो खड़ा है। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, पर मैं हिला के रख दूंगा। गोला बहुत हुआ है, बस तुम्हारी कहानी खत्म। इंस्पेक्टर डॉन साहब, जरूर आपसे कोई गलत फैमिली हो गया होगा। हमने ये धंधा आज तक ना किया है और ना कभी करेंगे, क्यों बेटा? तो फिर ये क्या है? बोला तुम्हें बच्चों को ड्रग खिलाने के बहुत शौक है ना, आज तुम्हें मैं खिलाऊंगा। ये ले खा खा सारे खा। भागो।
बोला तुम जिस कोने में छुपेगा तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी न किसी दिन तुम्हें अरेस्ट जरूर करूंगा। गोला आओ गोला आओ, मुझे उम्मीद है कि तुम खाली नहीं आया होगा। गोला अपने वादे का पक्का है, जिसको भी जुबान देता है उसे पूरा ही करता है। गोला एक बात पूछूं? एक क्यों, दो चार पांच जितना पूछना है पूछ, क्योंकि तेरा मुंह है किसी के बाप का नहीं। पूछना ये था कि तुम इस धंधे से रोजाना कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। हाँ लेकिन खाकी वर्दी वाले मुझसे खुश नहीं है। हाँ तो उन्हें भी खुश करना, मतलब जैसे तूने अभी मुझको खुश किया उनको भी वैसे कर, खास तौर इंस्पेक्टर डॉन को, वो थोड़ा गर्म दिमाग का बंदा है। हाँ ठीक है ठीक है, ये फिलहाल 6 लाख रख, बाकी सब बाद में करेगा, ये ले। ठीक है, दारू पिएगा? शराब और खून मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ दबा के। क्या गोला भाग गया? कैसे, कब और कहां? सर आज 12 बजे गोला डीसी चौक से निकल गया। ये तुमने क्या किया डॉन? अब मैं मिनिस्टर साहब को क्या जवाब दूंगा? सर मेरा भी नुकसान हो रहा है, 15 साल से मैं गोला का पीछा कर रहा हूँ, आपने मेरा भी प्रमोशन रोक कर रखा है सर। डॉन मैंने तुझे कराची से गोला को खत्म करने के लिए बुलाया है, आयाशी के लिए नहीं। सर मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, किसी न किसी दिन ये गोला पकड़ा जाएगा जरूर, क्या पता आज ही पकड़ा जाए। कौन? हेलो साहब, मैं सूफी बोल रहा हूँ। बोल। साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। किस खुशी में? फोन पे नहीं बता सकता। तो फिर कहाँ बताएगा? कोल्ड ड्रिंक वाले दुकान पर आ जाओ। कौन था सर? पता नहीं, सूफी नाम बता रहा था और मिलना चाहता है 12 बजे। नहीं सर, हम किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्या पता वो अनजान आदमी हमें गोला तक पहुँचाए, तुम फिलहाल जाओ 12 बजे आना। ठीक है सर। यार 2 घंटे हो गए, साहब तो आया ही नहीं। बता क्या बताना चाहता है? साहब गोला डील कर रहा है, उसको पकड़ो। ये बात बताने की वजह क्या है? साहब गोला बच्चों को मार रहा है, उनकी जिंदगी बचाओ। तुम फिकर मत करो, आज गोला जरूर सलाखे के पीछे मुझे होगा। उम्मीद है आप उसको जरूर पकड़ोगे। मुझे 100 किलो माल चाहिए। पैसा लाया है? हाँ हाँ। अच्छा ये ले, और माल की फिक्र मत कर, 1 नंबर है, ये ले। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। पुलिस को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है, वो खुद आया है। तू अपनी और अपने आदमियों की जान बचा कर निकल जा, इन्हें सिर्फ मैं संभालूंगा और कोई नहीं, तू निकल जा। तो मैं लोगों को संभालो, हम लोग निकलते हैं। गोला तुमने बहुत दिन खाया है, अब तू गोली खा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपसे जरूर कोई भूल हो गई होगा। गोला भागने की कोशिश मत करना वरना बेमौत मारे जाओगे। कमिश्नर साहब पानी तो बहुत प्यास लगा हुआ है।
कमिश्नर साहब, थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यासा हूं मैं। ए साले को पानी दे। ये ले। ये क्या है? पानी। राम के बिल्ले में पानी का कहा था? ए कमिश्नर, मुझे दारू चाहिए, ये नलके वाला पानी नहीं। हवलदार, ये क्या हुआ, ये चोट कैसे आई? साल गोला ने मुझ पर हाथ उठाया और शराब मांग रहा है। उसकी ये हिम्मत, उसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया। दारू चाहिए ना तुझे? चल तुझे दारू पिलाऊं। आ तुझे दारू पिलाऊं। कमीने हुआ क्या कमीशन साहब? शौक है ना तुझे दारू पीने का? चल तुझे दारू पिलाऊं। अरे कमीशन साहब, लेकिन हुआ क्या, मेरा कसूर क्या है? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब। नहीं, मुझे माफ कर दो कमिश्नर साहब, ये गलती फिर नहीं होगा, मुझे माफ कर दो कमिश्नर साहब। तुझे दारू चाहिए ना कमीने, हराम के बिल्ले, तू दारू पी पी दारू। तेरी औकात यही है कुत्ते, साला यही मरता रहे, इसको पानी भी मत देना। दर्द हो रहा है? नहीं, मजा आ रहा है। चल उठ दूध पी। माँ की याद आ रही है, पुलिस से पंगा लोगे तो नानी भी याद आ जाएगी। चलो उठो, दूध पियो। सांप को दूध पिला रहे हो साहब? उस इंसान को जो सांप बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे साहब आपका भी स्टाइल है, कभी ये तो कभी ये। वाह, गोला, मैं तुम्हारे दिमाग और हिम्मत की कदर करता हूँ, काश तुम मेरे भाई होते तो मैं तुमसे ये पूछता, तुम्हें एहसास नहीं है तुम क्या कर रहे हो? विदेशी दुश्मनों के हथियार बनकर तुम अपने ही देश, अपने ही पाकिस्तान के सीने में छुरा फोंक रहे हो। कमिश्नर साहब, आपने मुझे भाई कहा है तो मेरी भी दिल की बात सुन लीजिए। आप एक सरकारी अफसर, इसलिए आप अपने देश अपने पाकिस्तान के बारे में बात तो करेंगे ही ना। और कितने अफसर हैं, सरकारी गवाह हैं, वकील हैं, पाकिस्तान के बारे में नारे लगा लगा कर अपनी जेबें भरते हैं, हम गरीबों पर गोलियां चलाते हैं, उनके मुंह से रोटी छीनते हैं, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी। कुछ लोगों की बेईमानी को अपनी गद्दारी का बहाना, गलत को सही नहीं साबित कर सकते। जो गलत है सो गलत है। गलत या सही, ये तो अपना अपना ख्याल है कमिश्नर साहब। आपके ख्याल में मैं गुंडा विलन और मेरे ख्याल में आप गुंडा विलन। आपकी भक्ति और भगवान आपकी सरकार, मेरा भक्ति और भगवान मेरा गिरोह मेरा मालिक। क्या सोच रहे हैं कमिश्नर साहब? सोच रहा हूं कि कितना जहर भर दिया है किसी ने तुम्हारे दिमाग में, वो शैतान कितना खतरनाक आदमी होगा, इसका एहसास मुझे आज हुआ है। तो मेरा भी चित्तानी सुन लीजिए ना कमिश्नर साहब। 3 अक्टूबर रात के 3 बजे
गोला आपके जेल से ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि इस थाने के चारों तरफ जवान खड़े हैं, यहाँ से तू हिल भी नहीं सकता। तो ठीक है, 3 अक्टूबर रात की 3 बजे याद रखना कमिश्नर साहब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। डॉन तुम कहाँ थे, 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं थे? सर मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं ड्यूटी पर नहीं आया। अच्छा सर ये कौन है? ये मेरा बेटा है शिवा। पापा ये कौन है? यहाँ का पुलिस अफिसर इंस्पेक्टर डॉन है ये। अच्छा सर गोला की कोई खबर है? गोला ने हमें भागने का चैलेंज दिया है, मुझे नहीं लगता वो भाग जाएगा। सर फिर भी ख्याल रखना, वो 1 नंबर का हरामी है। डॉन तुम फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ ड्यूटी पर कब आ रहे हो? सर आज से और अभी से मैं ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, शिवा क्या हुआ तुम्हें? शिवा शिवा क्या हुआ तुम्हें? शिवा शिवा क्या हुआ तुम्हें? सर इसे फौरन अस्पताल लेके जाइए। कमिश्नर साहब इसको क्या हुआ? पता नहीं अचानक मुंह से खून आने लगा। आई एम सॉरी आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है। वो सिर्फ 9 साल का है, डॉक्टर उसको कैंसर कैसे हो सकता है? होता है। आपने ठीक तरह से नहीं देखा होगा, क्या मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ? इसमें लिखा तो नहीं शिवा को कैंसर है? कमिश्नर साहब ये सिर्फ ब्लड का रिपोर्ट है। इसमें लिखा तो होना चाहिए ना जो शिवा को कैंसर है, कल तक तो अच्छा भला खेल रहा था, आज आप कह रहे हैं शिवा को कैंसर है। कमिश्नर साहब आई एम डॉक्टर, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन ये सवाल आपकी बच्चे के लिए जिंदगी का है और उसके पास वक्त बहुत कम है। कितना वक्त है डॉक्टर साहब? 5 दिन 10 दिन सर। बच्चे की ताकत पर डिपेंड करता है। डॉक्टर क्या आप उसे बचा सकते हैं? हाँ बचा सकता हूँ, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। मैं कोशिश करता हूँ, तब तक आप भी कोशिश कीजिए। ओके। डॉक्टर मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ओ नेगेटिव ग्रुप किसी के पास नहीं मिला। अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब? अब शिवा शायद ठीक हो जाएगा। कब? बहुत जल्द, हमें मैच मिल गए। 4 साल पहले इस आदमी का इलाज हुआ था सिटी हॉस्पिटल में, वहीं के रिपोर्ट से हमें मालूम हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब ऑपरेशन कब हो सकता है? कल परसों हमारे लिए 1-1 मिनट कीमती है, उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। नहीं, हमें दूसरा मैच ढूंढना होगा। बट वाई? क्योंकि इस आदमी का मुझे खून नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कमिश्नर साहब, गोला मुजरिम है, लेकिन ये सवाल आपके बच्चे की जिंदगी का है। नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मामूली मुजरिम नहीं है, ये गोला है, गोला। 4 साल से दिन रात एक करके मैंने इसको पकड़ा था, वो इंसान नहीं शैतान है। 13 खून कर चुका है वो। वो लोगों को ड्रग्स देकर खून करता है, वो बड़ा ड्रग डीलर है। उसकी रगों में खून नहीं तेजाब है, और आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी बच्चे के जिस्म में तेजाब डाल दूं? कमिश्नर साहब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर ब्लड नहीं मिला तो शिवा मर जाएगा। कैदी लंबर 311, गोला एक बच्चा है, उसे ब्लड कैंसर है। हमने खूब ढूंढा लेकिन उस बच्चे का खून कहीं नहीं मिला। एक तुम ही हो गोला जिसका खून उस बच्चे के साथ मैच होता है। खुदा ने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है अच्छा काम करने के लिए गोला, ये मौका गवाओ मत गोला, उस बच्चे को बचा लो।
जिस बच्चे की जान गोला बचाने जा रहा है उसका बाप कोई ऊंची हस्ती है, मैं उसे मिलना चाहता हूं। उस जेलर की आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि बात किसी खास आदमी की है। चल काम बता। काम क्या है तुम्हें पता नहीं? जेलर ने बताया नहीं। हे, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नाटक मत कर गोला। हे, ये ऑफिसर की एकनी साइड में रख और बाप की तरह बात कर, हाथ जोड़ आंखों में आंसू ला, घुटनों पे झोली फैला और भीख मांग मांग भीख। कितने साल का तेरा बेटा? 25 साल का। 25 साल का। क्या नाम है उसका? शिवा। हाँ, शिवा। शिवा अच्छा नाम है। इकलौता है क्या? हाँ। तू अपने बेटे को बहुत प्यार करता होगा, हर साल उसकी बर्थडे बड़े शौक से मनाया होगा तूने। जानता है एक कहावत है कि हर माँ की जान अपने बच्चे में होती है। अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो तेरी बीवी मर जाएगी, और अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो तू मर जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि तू अपनी जान की भीख मांगने यहाँ आया है। वैसे मैं भगवान में नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूँ। ये समय है ना, ये उसी का खेल है, उसी का। देख, ये छाती देख, देख, ये सब तूने किया है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे बेटे की जान नहीं बचाऊंगा मैं, समझा? ये सोच के मजा आता है मुझे कि रोज धीरे धीरे उसकी सांसें रुकती जाएंगी और तू छोटी छोटी मौत मरता जाएगा। तेरा शिवा नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तेरा शिवा, नहीं बचेगा इंस्पेक्टर तेरा शिवा। नहीं बचेगा तेरा शिवा, मरेगा तेरा शिवा, मरेगा। मरेगा तेरा शिवा, नहीं बचेगा तेरा शिवा, मरेगा इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब, तेरा शिवा मरेगा, नहीं बचेगा वो। तेरा शिवा मरेगा। मरेगा वो, मरेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं होगा। तेरा शिवा मरेगा इंस्पेक्टर, मरेगा तेरा शिवा, मरेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरा शिवा, मरेगा, मरेगा, मरेगा वो, मरेगा वो, मरेगा वो, मरेगा वो तेरा शिवा, मरेगा, मरेगा तेरा शिवा, मरेगा, मरेगा वो इंस्पेक्टर, मरेगा वो, नहीं बचेगा तेरा शिवा, मरेगा इंस्पेक्टर, नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा वो इंस्पेक्टर, तेरा शिवा जरूर मरेगा, तेरा शिवा मरेगा इंस्पेक्टर, तेरा शिवा मरेगा, नहीं बचेगा वो, तेरा शिवा मरेगा, तेरा शिवा मरेगा इंस्पेक्टर, नहीं बचेगा वो इंस्पेक्टर, तेरा शिवा मरेगा, तेरा शिवा मरेगा इंस्पेक्टर, नहीं बचेगा वो इंस्पेक्टर, तेरा शिवा मरेगा। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं। डॉक्टर शिवा कैसा है? सॉरी कमिश्नर साहब, आपने पलट लाने में बहुत देर कर दिया, आपका शिवा इस दुनिया में अब नहीं रहा। शिवा बेटा तुम्हें क्या हुआ? शिवा, शिवा, I don't know.
शिवा, ये तुम्हारे जाने का उम्र नहीं था बेटा। शिवा, ये तुम्हारे जाने का उम्र नहीं था बेटा। शिवा, हेलो, क्या डॉन, ये सब किसने किया? डॉन, डॉन, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर, मैंने तेरे को लू बनाया रे। बहुत गर्मी दिखा रहा है साला। तुम लोगों ने बहुत गर्मी निकाला है मेरा, अब हम तुम्हारा गर्मी निकालूंगा। सॉरी सर, मुझे माफ करना, गोला जीत गया और मैं हार गया। सर, जिंदगी में आज तक मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। सर, आज आखिरी बार आपसे मांग रहा हूँ। डॉन, तुझे कुछ नहीं होगा। सर, आप मुझसे एक वादा करो, गोला को फांसी के फंदे पर जरूर चढ़ाओगे। डॉन, तुम तो मुझको छोड़कर जा रहे हो, मैं उसको अकेले कैसे पकड़ूंगा? सर, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। सर, मेरी जगह खुदा आपके पास फरिश्ता जरूर भेजेगा। नहीं डॉन, नहीं, नहीं डॉन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। डॉन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। डॉन, डॉन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे भाई, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। डॉन, मैं अकेला रह गया। Liar!
शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। अब हमें गोला के लिए बारूद मंगवाना पड़ेगा। वो लोगों की पैंट गीली करने वाला शेर है, हम सब का फखर है वो। सर नाम क्या है उसका? मिस्टर लवली सिंह। लेकिन सर वो तो रिटायर हो चुका है, वो कैसे आ सकता है? वो आएगा, हमें बहुत ज़रूरत है उसकी, नंबर मिला उसका। हेलो सर। ये लो सर बात करो। हेलो लवली, पुलिस को तुम्हारी सख्त जरूरत है, तुम कल से ड्यूटी पर आ जाना। ओके सर, आई एम कमिंग। ओके चलो सर, आपको कॉफी पिलाता हूँ, बहुत दिन के बाद आए हो। चलो भाई। हेलो, मैं गोला का आदमी पल्लू बोल रहा हूँ। सेठ, मैंने तेरे बच्चों को किडनैप कर लिया है, 2 करोड़ दे, बच्चों को सही सलामत लेके जा। कब और कहां पहुंचाना है ये तुझे मैं बताऊंगा, फोन के पास ही रहना, मैं दोबारा फोन करूंगा। कमिश्नर, तू नहीं बचेगा। मैं जानता हूं तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, बाहर निकल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कौन है तू? मैं बल्लू हूं। किसके लिए काम करता है? गोला भाई के लिए। तो चल थाने, तुझे गोल गप्पे खिलाता हूँ, वैसे भी जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। ये चश्मा आपको सही नहीं लग रहा। चल।
हेलो सर, मैं पहुंच गया हूं। अच्छा, तुम थक गए होंगे लवली, अभी आराम करो, सुबह मिलेंगे। ओके सर। ठीक है। लवली सिंह इज रिपोर्टिंग सर। आओ लवली आओ, आतंक खत्म करने के लिए मुझे तुझ जैसे ऑफिसर की जरूरत है। मुझ जैसे ऑफिसर की जरूरत तो आपको 5 साल पहले भी था सर, लेकिन आप लोगों ने मुझे सस्पेंड कर दिया था। क्यों? मैं जिस मुजरिम को मारता था आप लोग कहते थे कि बेकसूर लोगों को मार रहे हो। बस कमिश्नर बस। दिन ब दिन मुजरिम बढ़ते ही जा रहे हैं सर, ये दंगा, ये फसाद, ये लोग सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहे हैं सर, हम जैसे ऑफिसरों की वजह से नहीं। हम आवाज़ उठाते तो आप लोग हमें दबा देते हैं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा क्यों होता है सर? आप में सरकार ने क्या खूबी देखकर आपको कमिश्नर बनाया? चिल्लाओ मत ऑफिसर। आप ड्यूटी करूँगा तो सर मैं अपनी मर्जी से, जो भी करूँगा मैं अपनी मर्जी से करूँगा सर, अपने तरीके से। आप लोगों से कुछ नहीं हो सका अब तक, अब जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा, गोला हो चाहे कोई बारूद, अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। काम तो करो लेकिन असूल के साथ। कौन कौन से असूलों को फॉलो करूं सर? सरकार हमें बंदूकें तो देती लेकिन चलाने के लिए आर्डर नहीं देता। क्यों? आपके असूल कैसे बनाए कानून ने? ये दिन ब दिन मुजरिम बढ़ते ही जा रहे, हमारे सरेआम लोगों को मार के चले जाते हैं वो लोग। 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कौन बेकसूर है सर? वो गोला जो दिन दिहाड़े हमारे ऑफिसर को मारकर जेल तोड़कर फरार हो गया, वो बेकसूर है? या वो जग्गू बेकसूर था जिसे मैंने 6-6 गोले डालकर मारा था? फिर आप लोगों ने मुझे सस्पेंड कर दिया था सर। अगर मैंने गोला को भी उसी दिन उसी जगह पर मार दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता सर। इनकाउंटर तुम करो लवली, लेकिन कब और कहाँ करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। आप मुझे बताओगे जैसे आपने डॉन को बताया था वैसे ही आप मुझे बताओगे? अरे सर, उसके आदमी बंदूक भी था लेकिन वो गोली नहीं चला सका क्योंकि उसे ऑर्डर नहीं था। आप मुझे वैसे ही बताओगे जैसे आपने डॉन को बताया था? क्यों सर, आप लोग खुद पुलिस वालों को मरवाना चाहते हो? क्यों? अच्छा बाबा, जैसा आपका दिल करे वैसा करो, लेकिन गोला मुझे चाहिए, चाहिए गोला मुझे, जिंदा या मुर्दा। गोला आपको जिंदा मिलेगा ये वहम अपने दिल से निकाल दो सर। गोला आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उसकी डेड बॉडी आपको मिलेगी। डेट मिल सू सर। गोला भाग गया, गोला भाग गया। कौन है अंदर? गोला का आदमी है। लवली उसे ज्यादा टॉर्चर मत करना। आप अंदर मत आओ सर। ए, मुझे छोड़ छोड़, मुझे क्या कर रहा है तू? मुझे नहीं जानता है। पता भड़वे गोला कहाँ मिलेगा? ए, मुझे नहीं पता। अभी नहीं बोलेगा तो फिर कभी नहीं बोलेगा। बता गोला कहाँ है, बता गोला कहाँ है। मैं नहीं बताऊंगा। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे गोला कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। बता गोला कहाँ है, पता? पता नहीं है मुझे, पता होता भी मैं नहीं बताता। ए शाणे, बता दे चल गोला कहाँ है, वरना पकड़ के इतना धोऊंगा कि घर वाले भी पूछेंगे कौन है वे तू। नहीं बताऊंगा। तुम्हारी हड्डियों को ऐसे ऐसे तोड़ूंगा कि डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा, ये किसने तोड़ी है और जोड़ू मैंने कैसे? नहीं पता। अच्छा चल बता दे गोला कहाँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा, चल बता। नहीं मालूम, नहीं मालूम। Oh!
लवली इसको ज्यादा टॉर्चर मत करो, मर जाएगा लवली, छोड़ दो इसको लवली। बता गोला कहाँ है? बताता हूँ, गोला को मिलने से पहले तुझे रघु से मिलना होगा। लवली इसको मत मारो, छोड़ दो लवली इसको मत मारो। छोड़ दिया है सर, जाके देखो। ओहो लवली, ये तुमने क्या कर दिया, मार दिया इसको। अब हमें गोला का पता कौन बताएगा, बता। सर हम इन्हें मारेंगे तो ये हारेंगे। मैंने लवली तुझे मना भी किया था मत मारना इसको, फिर भी तूने मार दिया इसको। हाँ जो भी किया अच्छा ही क्या सर, अच्छा ही क्या, जो भी किया सब कुछ उगलवा के फिर मारा है साले को। अगर आपका दिल ठंडा नहीं होता तो फिर जाके मारता हूँ साले को। जब रद्दी वाला है तो उठा के कचरे में फेंक देना ऐसे सर। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कमिश्नर है, हमें जब से इसको ड्यूटी पर लगाया मेरी वैल्यू हवलदार से भी पीछे हो गई। हेलो हवलदार जी सर, इस रघु खबरी का तो पता लगाओ, ये कहाँ मिलेगा और कहाँ रहता है, आज हमें इसे पकड़ना है किसी भी हाल में। क्या ये बताएगा सर? हाँ हाँ यही बताएगा कि गोला कहाँ मिलेगा। गोला जीसी चौक में रघु के साथ डील करने वाला है सर। ये लो रघुमाल, इसे चौकी के उस पर सही सलामत पहुंचाना है। और एक बात ध्यान से सुनना मेरा, नए इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ है, सुना है वो मुंह से नहीं गोली से बात करता है, बहुत ध्यान से जाना। ठीक है भाई। और जल्दी लौटना, ठीक है, जाओ। भागो रे, भागो 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 भागो। हे, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा वरना वो आखिरी बार लेगा। गोला तो भाग गया लवली। भाग कर कहाँ जाएगा सर, जेल की काली कोठरी उनका इंतजार कर रही है, मैं बहुत जल्द उसे पकड़ कर लॉकअप में डाल दूंगा। ये ला तुम्हें इंस्पेक्टर साहब, बड़ा महंगा पड़ेगा। सर मैं चाहता हूँ गोला के पीछे आप इस आदमी का ध्यान रखना, मुझे शातिर और चलाक दिखता है ये लौंडा। डोंट वेरी, तुम फिकर मत करो। हेलो कौन तुम्हें मारना चाहता है, कहां से बात कर रहे हो? वहीं पर रुको मैं आता हूँ। अरे गोला भैया, यहां पर तो कोई भी नहीं, लगता है मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है। ओहो oh.
कहाँ गया कुत्ता? भाग गया साला? अब मैं लवली सिंह को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उसको? हवलदार चलो दरवाजा खोलो, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। हवलदार दरवाजा खोलो। कैसे कैसे सर वो फिर से भाग गया? कैसे? हर रोज आपके जेल से कोई ना कोई भाग जाता है सर, क्यों? आए दिन कोई ना कोई मुजरिम इस जेल से भाग ही जाता है, क्यों? आपकी लापरवाही की वजह से सर, आप इस जेल पर कंट्रोल करें, क्यों आपके वजह से यहाँ से मुजरिम भाग जाते हैं? आप किसके बकरियों के साथ होते हैं कि यहाँ से मुजरिम भाग जाते हैं, क्यों? मुझे घिन आती है आपको सर कहते हुए भी। लवली, मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मुझे किसी का फोन आया था, मैं वहां पर गया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। बेवकूफ बनाए गए मुझे। बेवकूफ बनाया नहीं गया, आप तो हो ही बेवकूफ सर। मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं, मेरी ही गलती है जो मैं उसे स्थान में बंद करके चला गया, जहां से आप तीन तीन मुजरिम पहले ही भगा चुके हैं। ये थाना आपको मुबारक हो, मैं जा रहा हूं। लवली मत जाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। लवली, मेरा कोई कसूर नहीं है। लवली मत जाओ, लवली मत जाओ। किसका कसूर है सर? ये गलती मुझसे हुई है, इस गलती को मैं ही सुधारूंगा, उस मुजरिम को मैं पकड़ के लाऊंगा। क्या आप पकड़ेंगे उसे? वाह सर वाह, आज आपको सलूट करने का दिल करता है। जाओ सर, आज आप ये काम कर ही आओ, जाओ आप उसे पकड़ के लाओ। जैसे मैंने पकड़ा तो उसे, आप वैसे उसे पकड़ के लाओ, जाओ। कहते हैं कल कभी नहीं आता, लेकिन कल आएगा। आई विल क्लीन दिस सिटी। सर ने बहुत लेट किया है, मुझे लगता है कि सर की जान खतरे में है, मुझे जाना पड़ेगा। बाहर निकल गोला, मौत तेरा इंतजार कर रही है। कमिश्नर साहब, हिलना मत, अब कोई होशियारी नहीं चलेगा, चुपचाप आगे चलो। शिकारी को शिकार के पास जाते हुए काफी बार देखा, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ रहा है, ये पहली बार देख रहा हूँ। ये वहम है तेरा गोला कि शिकार शिकारी के पास आया है, कि शेर का शिकार ना कभी किसी ने किया है ना करेगा। तू मारेगा मुझे, तू खुद मौत के मुंह में खड़ा है। मुझे कौन मारेगा? तू? आज तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो गोला को मार सके, तो फिर तू मुझे कैसे मार सकता है? हाँ, तेरा मौत ऊपर से आ रहा है। हे गोला, चल बोल अपने आदमियों को
के हथियार फेंक दे वरना तेरी खोपड़ी उड़ा डालूंगा। हथियार फेंक बे। मैं नहीं फेंकूंगा गोला भाई। अबे हथियार फेंक। चल गोला आ गए। कहाँ? चल बताता हूँ। इधर बैठो, मैं खुद उनके पास जाता हूँ। नहीं लवली, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फिर आप पीछे के रास्ते से आओ। रघु तुम इधर बैठो, मैं इनको मुंह देता हूँ। नहीं गोला भाई, नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ पर बैठो। नहीं भाई, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। नहीं तो ठीक है, तुम कमिश्नर को संभालो, मैं इंस्पेक्टर को संभालता हूँ। ठीक है, जाओ। इंस्पेक्टर, तुम्हें मौत लेकर आई है यहाँ। बहुत लोगों के खून बहा है तूने गोला, आज तुम्हारी बहेगा। Ugh!
नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब नहीं। वो देख। रुक जाओ रघु, अब आगे एक कदम और भी बढ़ाया तो मेरे गन की छह की छह गोलियां तुम्हारे सीने में होगी। इंस्पेक्टर साहब, क्यों तू अपनी मौत को दावा दे रहे हो? भला इसी में ही होगा कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर अपने आप को कानून के हवाले करना होता तो इंस्पेक्टर साहब मैं उस दिन जेल से नहीं भागा था। लेकिन अब कहां भाग कर जाएगा? कौन कहता है कि कमिश्नर मैं यहां से भाग जाऊंगा? आपको मार के ही फिर मैं जाऊंगा। तो फेंक गन और सामना कर इस कमिश्नर का। जो वतन के ऊपर मरते हैं वो शहीद कहलाते हैं सर, आज आपको दिल से सल्यूट करता हूं। Thank you.